कौन कौन आ गया है? जय श्रीम वैष्णवी, अरुण कुमार आज देखते हैं किसमें कितना है दम आज देखेंगे हम कैसे टॉपिक बायो टेक्नोलॉजी हियर ओके क्या बात कॉल फॉर एवरी

हेलो 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 कैसे हो तुम सब लोग बढ़िया मजे में ऑलरेडी बना लिया है क्या बात है यू गो ईगो आ रहा है क्या ईको आ रहा है नहीं मैम यार प्लीज स्टार्ट क्लास टाइम टेबल फॉर टू मंथ्स

माइक 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 पे लगाना माइक पे माइक ऊपर ऐसा है हेलो 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 आई थिंक हमें देखना पड़ेगा दोबारा आई थिंक हमें देखना पड़ेगा दोबारा या आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ या देखना पड़ेगा yeah i think we are good to go now yeah yeah i think please listen in another ये भी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है सो टेक्निकल ग्लिचेस हाँ, टेक्निकल ग्लिचेस क्या बोलते हैं कि आ, इतिहास इस बात का गवाह है कि मीनाक्षीम उनको का कितना ज्यादा अच्छा टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं वो हमारे बच्चों को पता है एंड <laughs>

तो इन दैट केस आई शो यू माई ग्रे हेयर सी सी आई मई आई एम ओल्ड सो आई कैन मेक मिस्टेक्स नो चलो यार चलो है बहुत हो गया बहुत हो गया मजाक मजाक एंड चलो यार चलते हैं काम की बात करते हैं सो फॉर अ ग्राउंड ऑफ अ फॉर ऑल द ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो कि चैलेंज एक्सेप्ट करने आए हैं कि भाई लाओ क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी की द मोस्ट फिफ्टीन चैलेंजिंग क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन है दो चीजों का हम बहुत ज्यादा नीट के हाई लेवल पे भी नहीं गए हैं और मैं बोलूंगी कि नीट का जो लेवल आता है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल है क्वेश्चन का ठीक है मजा आएगा यार करने में सो so, चलो सॉल्व करते हैं साथ में एंड रेडी हो ना तुम लोग रेडी हो रेडी रेडी हो ना तुम लोग रेडी हो

पूरा पूरा यहां दिखना चाहिए चैट बॉक्स में एकदम टॉप लेवल का ठीक <laughs> है चलो यार चलो स्टार्ट करते हैं सो वेलकम 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 एवरीवन और यार बस एक और काम करना है तुमको मैम की वीडियो को लाइक भी करना है अगर तो नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दो और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन यार सो द मोस्ट फिफ्टीन चैलेंजिंग क्वेश्चन

एंड uh, मेरे को तुम्हारे को यहाँ देखना बहुत अच्छा लगता है हर दिन तो यार जल्द रोज आओ रोज मिलके मस्ती करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई करेंगे है ना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यू विल सी इट हेयर एंड यार अभी तुमने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया उसको भी ज्वाइन कर लो काफ़ी ज़्यादा उस पर तुमको जो है अपडेट्स मिलते रहते हैं इनफैक्ट अगर तुम इसका पार्ट होते हो तो कर्मा क्रैश क्रैश कोर्स जो हमारा लॉन्च हुआ है उसके बारे में तुम्हें सबसे पहले वहाँ पे पता चल जाता है जो कि रेवोल्यूशन मचा चुका है पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री में 1800 हंड्रेड में गया है ये कोर्स क्रैश कोर्स जिसमें कि सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों का कंप्लीट है सिलेबस एंड आई एम सो हैप्पी यू नो एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक वेदांतू एंड यू गाइस यू नो सो मेकिंग इट हैपन तुम्हारा संकल्प और हमारा एनर्जी डल के इट इट so, यार लॉन्च हो गया है इस मंडे से अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तुमने तो ज्वाइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ उसमें कि क्या क्या है इसमें तो सिंपल सी बात है नीट क्लियर करना है तो उसको ज्वाइन कर लो सब कुछ मिलेगा मॉक टेस्ट ये सब कुछ एवरीथिंग ये सब देख लो तुम हाँ मैं हट जाती हूँ पीछे देख लो तुम सब लोग ये सब मिलेगा तुमको कर लो यार ज्वाइन एटीन हंड्रेड जस्ट है ना अभी आई थिंक आज ट्यूजडे ना कल खत्म हो जाएगा ये इसका खत्म हो जाएगा इसका डील खत्म हो जाएगा कल ये ओके सो बिफोर दैट आज का सेम पर्सन इन द पब्लिक एज यू आर बिहाइंड क्लोज डोर ठीक है तो जैसे तुम लोगों के सामने रहते हो वैसे ही तुमको uh, अपने अकेले में भी रहना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली में तुम्हारा नेचर जो है ना तब पता चलता है कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा होता है और तुम अकेले होते हो या घर पे होते हो इफ़ यू आर द सेम पर्सन एज यू आर आउटसाइड विद द पीपल देन यू पैट योर बैक तुमने कुछ ज़िंदगी में फिर हासिल कर लिया ये ये काम तुम्हें अभी नहीं आएगा तुम्हें थोड़ा बाद में आएगा अभी तुम अपना एग्जाम क्लियर करो बाद में ही तुम्हें याद आ, जा, आ, जा, आ, जा, आ जाएगा याद ये ओके okay. सो so, यार yeah, चलो आज मैं एक्चुअली टेलीग्राम पे मैसेज डालना भी भूलगी फॉर ऑल द चैलेंज एक्सेप्टर्स हियर एंड आई ऑलरेडी हैव बिकम अ फैन ऑफ यू दोस हु आर वाचिंग मी लाइव एंड आई एक्चुअली मीन दैट है ना तो यार शुरू करते हैं सो so, चलो शुरू करेंगे हम लेके प्रभु का नाम और चलिए तो so, ये हमारे नोट्स भी सामने आ गए हैं तुम ये ना सोचो कि मैम बिना पढ़े आ जाती है यहाँ पे यार ठीक है ना पूरा पूरा बना के आती हूं। के आती आती मैं तुम्हारे लिए पढ़ पर ऐसे वो नहीं होना चाहिए कोई ठीक है तो है ना यार भी तो क्या है is, मैंने घड़ी उल्टी पहन ली so मुझे ऐसे देखना पड़ेगा टाइम टाइम सवा सात हुए हैं चलो तो चलो यार शुरू करते हैं हियर यू गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओके कंटिन्यूस एडिशन ऑफ द शुगर इन फेट बैच फर्मेंटेशन इज डन टू प्रोड्यूस मीथेन ऑप्टेन एंटीबायोटिक्स प्योरिफाई क्या है प्लीज राइट द आंसर द चैट बॉक्स मन गो 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 शाबाश शाबाशाश बी बी इज द रोंग आंसर आपके पास अभी भी तीन ऑप्शन है चलो 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 हम्म ठीक हाँ, है ठीक है ठीक है, है ओके हाँ, ओ सॉरी हाँ मैं आगे आ गया हाँ ठीक है सी इज राइट आंसर एंड जिन भी बच्चों ने ए बी सी लिखा है यार एक्चुअली सी इज द राइट आंसर यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट इट इज यूज टू प्योरिफाई द एंजाइम्स सो बच्चा इट इज यूज टू प्योरीफाई द एंजाइम मैं आपको बताती हूँ जो भी बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कल्चर यूज करते हैं उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है ध्यान से सुनना सबसे पहला कल्चर है आपका बैच कल्चर दूसरा है आपका कंटिन्यूस कल्चर और तीसरा है आपका फेड कल्चर जो कि यहाँ पे जिस पे हमने क्वेश्चन पूछा था ठीक है आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में आप एक बस छोटा सा वो सुन लीजिए इसमें जो है ना आ, सबसे पहला जो मैंने बोला बैच कल्चर एक्चुअली उसका नाम बैच इसलिए कि एक बैच को डालते हैं फिर उसके जो सारे वो इंजाइम्स वगैरह सब यूज हो जाते हैं फिर उसको निकाल देते हैं फिर एक नया जो है वो अपलोड करते हैं पार्ट हमारा है ना कल्चर मीडिया जो भी है देन ये बायो रिएक्टर्स की वि बात हो रही है बाय द वे बायो रिएक्टर्स के कल्चर में बात हो रही है उसी में डाल रहे हो ना तुम कल्चर बायो रिएक्टर्स में तुम कल्चर डाल रहे हो जहां पर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बनाना है तो बैच कल्चर की एक बैच को निकाला दूसरे को डाला नंबर वन नंबर टू वो आपका कंटिन्यूस कल्चर ठीक है इसमें क्या होता है कि कल्चर मीडियम इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश कल्चर मीडियम ठीक है एक मिनट ऑन रीचिंग स्टेशनरी फेज हाँ ठीक है बैच कल्चर बट आप समझ में आ गया कि एक स्टेशनरी फेज आएगा मतलब जब आपका क्या है आगे आपका प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है उस टाइम पे उस बैच को निकाल के एक नया बैच जो है वो ऐड कर देंगे दूसरी और आपका कंटिन्यूस कल्चर कंटिन्यूअस कल्चर में बेटा क्या होता है एक्सपोनेंशियल फेज जो है वो मेंटेन रहता है हम स्टेशनरी फेज आने का वेट नहीं करेंगे हम क्या करेंगे उस बायो रिएक्टर में जैसे ही क्या क्या होगा जब पुराने कल्चर को रिमूव करते जाएंगे और नए कल्चर को डालते जाएंगे दैट इज तीसरा आपका फेड बैच कल्चर जिसमें क्या होता है फ्रेश कल्चर इज एडेड विदाउट रिमूविंग द ओल्ड वन ऐसी टेक्नोलॉजी ला दी कि पुराना कल्चर वही है लेकिन नया हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं और ये क्यों करते हैं जस्ट टू प्योरीफाई द इंजाइम्स किस लिए करते हैं जस्ट टू प्योरिफाई द

ट्रांसफॉर्मेशन इज द टर्म यूज टू डिनोट ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए यूज किया जाता है चलो शाबाश गो 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 ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए यूज है ट्रांसफॉर्मेंट्स किसके लिए यूज किया जाता है mm -hmm. शाबाश 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 गो ऑन गर्मी लग रही है भाई गर्मी हो गई यहां बी इज द राइट आंसर श्योर अबाउट दैट बी इज द राइट आंसर देखें देखे जरा एंड ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन या कहता है कि नॉन वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन नॉन एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स है ना ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग नॉन वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन द नॉन एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स नॉन वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन नॉन एनिमल यूकेरियोटिक सेल्स

चल इस इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है एक्चुअली इस क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेट लेट अस अस जस्ट जस्ट बंक दैट है ना आपको हाफ नॉलेज इज अ डिफरेंट डेंजरस थिंग तो ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कोई बात नहीं उस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू वक्टर इनमें से कौन सा पी वी आर थ्री ट्वेंटी टू वैक्टर का कैरेक्टर नहीं है क्या मजा आ गया मैम को क्वेश्चन नहीं आता क्या बात है अवे क्या बात है मजा आ गया है <laughs> चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये आसान है उस क्वेश्चन में थोड़ी तो इंग्लिश में प्रॉब्लम लग रही है या तो मेरी इंग्लिश खराब है या तो उस क्वेश्चन की सच में इंग्लिश खराब है हाँ चलो 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 गो 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 वेरी गुड बी इज द राइट आंसर अनुष्का कहती है बी इज द राइट आंसर अच्छा जयश्री कहती है मैम बी पक्का बी है हो <laughs> देख लो भाई देख लो प्लीज बी इज नॉट द राइट आंसर बी इज नॉट पहली बारी एम टी बे में साल आए, में साल आए। <laughs> क्या बात कर रहे हो तुम डी इज द राइट आंसर भाई डी इज द राइट आंसर हाँ इसमें तो मैं ऐसे ही देख सकती हूं बिना पड़े है ना सो so, पहली बारी एम टी आरी बेम साल बेम साल आए अरे ये कहता है

लिख दिया। बे साल 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 आए, बे साल आए, बे च्वन, च्वन। अरे भाई, go, समझ में आ गया सबको ये आज क्या हो रहा है मैम अच्छा तभी तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है मैम को भी चैलेंज कर दिया तुम्हारे को भी चैलेंज कर दिया चलो यार ठीक है थोड़ा ना ब्रेन स्ट्रॉमिंग होते रहनी चाहिए आई एग्री कंप्लीटली तुम तो मुझ पर छोड़ दोगे आई अग्री कंप्लीटली तुमको खाली नीट पे ही फोकस करना है वो ब्रेन स्टॉमिंग के लिए बीच बीच में थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसा कर लेना चाहिए बट उसके लिए मैं हूं तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे वो ठीक है ना आई विल टेक दीज थिंग्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा नीट का क्वेश्चन है नीट में प्योरली आई विल नॉट कंसिडर इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन चलो इंजाइम यूज इन अलाइजर टेस्ट इज इंजाइम कमान इनजाइम यूज इन अलाइजर टेस्ट इज चलो 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 शाबाश तुमने पॉलीमरेज लिखा ना मैं चांटे लगा दूंगी तुम्हें तुम पीसीआर नहीं पूछा तुमसे ये अलाइजा है पॉलीमरेज इसका गलत आंसर है कोई भी डी आंसर नहीं लिखेगा अब ए बी सी में से ढूंढो डी इज द रोंग आंसर क्या मैम आप तो चीटिंग करा रहे हो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं परॉक्सीडेज इज नॉट दीजाइम इसके अलावा और भी बहुत सारे अल्कोलाइन फॉस्फिटेज भी बहुत मात्रा में यूज होता है वहां पर ठीक है परॉक्सीडेज तो होता ही होता है ठीक है और भी बहुत सारे इंजाइम छोटे मोटे एंजाइम यूज है लेकिन ये इनमें से परऑक्सीडेज यूज होता है ठीक है ना अलाइजा आपको पता है ना इट इज एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से फेमस है एड्स में नंबर वन यही यूज करते हैं हम लोग इसको डिटेक्ट करने के लिए अगर ये पॉजिटिव आ जाता फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं राइट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है माय पर्सनल फेवरेट प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन चलिए A कंटेनिंग containing DNA fragment फ्रैगमेंट ए बी सी D डी molecular weights. वेट्स मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी तुम पढ़ो क्वेश्चन को बहुत मजेदार क्वेश्चन है अब दिखाएगा कि तुम्हारी जो स्किल्स हैं कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो कितने बढ़िया हम्म शाबाश 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 मेरे बच्चे तुझे नहीं दिख रहा अगर तो उसकी ना पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा दे ठीक है तो जो अपना पिक्चर क्वालिटी है ना जरा उसको बढ़ा दे थोड़ा मैदान छोड़ के भागना नहीं है ए है गरिमा कहती मैम ए है आंसर बी है answer, B है सही में चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मेरे को खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बड़ा मजा आया था सेकंड क्वेश्चन पता नहीं मेरी आंखों के सामने से कैसे निकल गया मैंने क्वेश्चन देखा तो पहले मुझे बोर लगा क्वेश्चन फिर मुझे लगा वे, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो देखो इसमें ना एक्चुअली घुमा के कान को यहाँ से नहीं यहाँ पकड़ा है क्या ए आंसर है ए आंसर है चलो मेरे बच्चों ने कहा है कि ए आंसर है चलो मैम भी सॉल्व करती है इस क्वेश्चन को आइए आइए कहता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी दैट मीन्स सी जो है वो ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है क्योंकि इन दोनों का जोड़ है वो ठीक है सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है अब इसके बाद में डी भी है हमारे पास तो हमें देखना है कहते हैं कि डी जो है इज लेस देन सी ठीक है डी जो है मतलब कि सॉरी डी इज ग्रेटर देन सी मतलब है ना सी इज लेस देन डी दैट मींस जो आपका डी है वो सबसे बड़ा है ठीक है ना द बिगर ये सबसे बड़ा है डी यही बात हुई ठीक है सी तो ऑलरेडी बड़ा है तो बेसिकली आपको यहां पे पूछा क्या था मैं ये बड़ा छोटा यहां पे क्यों बोल रही हूं क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जो है ए या बी या सी या डी कौन सा सबसे पहले भागेगा आपको तो पता है क्या पता है आपको ये किस बेसिस पे होता है ये होता है आपके साइज के बेसिस पे दैट विल रन फास्टर सबसे छोटा सबसे ज्यादा भागेगा सबसे बड़ा सबसे पीछे दैट मीन डी इज श्योरली टू बी द लास्ट तो डी जो है हमारा लास्ट ही होना है ठीक है ठीक है उसके आगे हमारा सी ही होगा अब इस तरफ को आ रहे हैं हम लोग अब हमें ए या बी में देखना था कि ए या बी में से जो है कौन छोटा है तो यहां पर वो लिखा हुआ है <coughs> कैसे ए इज ग्रेटर देन बी दैट मींस बी सबसे छोटा है ठीक है तो बी ए सी और डी सही था ना हेलो बी ए सी डी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया ठीक है बी जो था वो सबसे छोटा और ए उससे बड़ा सी उससे बड़ा बिकॉज ऑब्वियसली ये इन दोनों का जोड़ है ठीक है लेकिन इससे हमें ये भी बता दिया था कि भाई डी जो है वो बड़ा है सी से दैट इजी दैट इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कहा गया यार <coughs> हाँ इजी है ना तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपको पेपर में चलो यार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चलिए एंड ए वॉज द करेक्ट आंसर ठीक है ऐसे <laughs> कुछ दस बारह क्वेश्चन आ जाएंगे तो नीट में तो मजा आ जाएगा तो मजे नहीं कर करना तुम्हें तो करना है आज तुम्हारी खाली ब्रेन हो रही है चलो क्वेश्चन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर तुम्हारा फेवरेट डीएनए पॉलीमरेज तुम तो उठ बैठ के यही आंसर दे देते हो हर किसी क्वेश्चन का आ गया चलो बेटा स्ट्रेस ट्रूस क्या लेना होता है स्ट्रेस कुछ नहीं होता बेटा काम करना पड़ता है उस, उसके लिए तो मेहनत करोगे स्ट्रेस नहीं होगा थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना जायज बट मेहनत करते जाओ यार शाम कहता है श्रेया कहती है मैम ए ए तो गलत तो नहीं बोले। त्रू बोला ट्रू बोला ट्रू स्टेटमेंट हाँ ठीक है क्या बात है और अपने फेवरेट क्वेश्चन का आंसर देते हो अपने फेवरेट मिजाज में डी इज द करेक्ट आंसर डी इज एकदम करेक्ट आंसर इट रिमेन्टिव एट हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही है एकदम सही जवाब है आप इसका नाम बता सकते हो इंजाइम का कौन सा नाम है वॉट इज द नेम ऑफ दिस इंजाइम वट इज द नेम ऑफ दिस इंजाइम विच इज लाइक डी एन एम पॉलीमरेज टैक्ट पॉलीमरेज शुभम के बादल के लिए तालियां हो जाए भाई

हा दैट इज लाइगेस काम है इट सर्व इज एक्टेबल मार्गर नो नो एमपार है ना वो तो अलग चीज है इट इज आइसोलेटेड फ्रॉमस नो इट इज आइसोलेटेडीरिया इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम आरके बैक्टीरिया या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनईको आर वन आर स्टैंड फॉर ईको आर वन में आर किसके लिए स्टैंड होता है स्ट्रेन स्पीशीज जीनस और ऑर्डर कम शब शब आर वन शाबाश 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 गो ऑन गो ऑन गो ऑन वेरी गुड 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 ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया यार इको वन में ई स्टैंड्स फॉर द जीनस सी और स्टैंड फॉर द स्पीशीज इकोलाई आर स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेनस ठीक है ना आर किसके लिए स्ट्रेन के लिए वन स्टैंड्स फॉर हां आर सर वन किसके लिए स्टैंड कर रहा है यहां पे लिखो जरा चैट बॉक्स में इन दिस वन स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी आज इसके बारे में आया था एग्जाम में ah. Ah, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू कम इन योर नीट एग्जाम एक्चुअली दिस इज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे चलिए चलिए ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बहुत बढ़िया आठवां क्वेश्चन है बेटा आपका हम जल्दी नहीं भाग रहे हैं थोड़ा विच इज नॉट अ डिजायरेबल इन अ क्लोनिंग क्लोनिंग में कौन सा कैरेक्टर डिजायरेबल नहीं है ध्यान से आंसर देना mm -hmm. यार कितना आसान क्वेश्चन है ये इसको तो मैं चैलेंजिंग नहीं बोलूंगी इसको मैं बोलूंगी स्पीड वाला क्वेश्चन डी गलत आंसर है मैं मारूंगी पकड़ के अगर तुमने डी आंसर लिखा इसका तो पक्की बात ये करेक्ट आंसर पक्का क्या बात है यार बहुत 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 बढ़िया एंड अरे प्रोमोटर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कैसे होगा वहां पे है ना एलोंगेशन कैसे शुरू होगा इनएक्टिव प्रमोटर नहीं है इनएक्टिव प्रोमोटर है अगर वेक्टर पे तो उसका तो कुछ काम नहीं है ठीक है तो रेप्लीकेशन शुरू ही नहीं होगा वहां पर सो प्रमोटर हैजू बी देयर एंड दैट टू इन एक्टिव फॉर्म नॉट इन द इनएक्टिव फॉर्म ठीक है सो so, इन बाकी तो सब कुछ ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन साइट ओ आर आई बिल्कुल होनी चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स जी होने चाहिए वन आर मोर यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियर साइट बिल्कुल सही वाट बै एम एच वन साल एच वन है ना इको आर वन एंड योर क्लास इन थ्री इन थ्री क्लास 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 थ्री में हिंदी का थर्ड पीरियड इको आर वन ठीक है देखो तो मैंने भी ऐसे याद किया सोचो तुम <laughs> सोचो देख रहे हो तो मैम को जो मैंने खुद के लिए मॉर्निंग रखे तुमको भी वही दी है मैंने तो सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स है जो मैंने बोले पी एच टी वन पी वी यू वन ठीक है ये सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स है आपके राइट ठीक है मैम बायोटेक्नोलॉजी कितने मार्क्स का आएगा नीट में तेरह क्वेश्चन आएंगे इसमें से थर्टीन थर्टीन इंटू फोर करो तेरह क्वेश्चन आएंगे बारह से तेरह क्वेश्चन आएंगे थर्टीन इंटू फोर करो 52 marks. तुम लो, 50 number की आएगी से पचास नंबर तो ईजी के आ गए और बारह मतलब बारह क्वेश्चन आएंगे इसमें से मतलब ऐसे हवा में ही नहीं बोल रही हूँ मैं तुम जाके देखना यार हर बार आते हैं दो यूनिट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है ना बारह के आगे टेबल नहीं सेम एवरी स्टोरी कह रहे हैं मैम हाउ टू अवॉइड बैड ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा गुरु ज्ञान हो जाए जो लोग कर्मा बैच की क्लासेस लगा रहे हैं मैम हमें पढ़ाती हूँ तो उनको पता होगा कि गुरु ज्ञान स्लाइड आती है फिर मैं अभी यार गुरु ज्ञान स्लाइड यहाँ पे भी आ गई यहाँ तो खाली पढ़ाना था यार हमको यहाँ भी बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा अभी यार तो चलो सुनो ज्ञान क्या है कि हाउ टू रिमूव बैड थाट्स अबे भाई ये दिमाग में गुड थाट्स भी आएंगे बैड थाट्स भी आएंगे तुमको चूज करना है कि तुमको फोकस किस पे करना है ठीक है ना लाइफ में अच्छी चीजें भी हैं लाइफ में खराब चीजें भी हैं ठीक है तुम जिस जगह अपना ध्यान लगाओगे वो ग्रो करने लग जाएगा इट इज अ सिंपल एज दैट ठीक है बैड थॉट आ रहे हैं आने दो ना लड़ो मत उससे क्या दिक्कत क्या है बस उनमें उलझ मत जाओ मेरा नीट नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा मेरे साथ वाले का तो क्लियर हो गया लास्ट ईयर यार उसको बढ़िया कॉलेज भी मिल गया मेरे साथ पता नहीं क्या होगा यार मैं कुछ जिंदगी में कर भी पाऊँगा या ठेला ही दोनों तो लगाना पड़ेगा में है <laughs> ना मजाक कर रही हूँ लास्ट वाली लाइन ऐसा थॉट सबके दिमाग में आते होंगे विच इज़ वेरी जेनुन हाँ कि यार नहीं होगा तो क्या होगा बट दुनिया खत्म नहीं होती है तुम रखो अपना नीट का टारगेट तुम्हारा टॉप का होना चाहिए ठीक है ना बट याद रखना नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ना नहीं होगा यार मैम की तरह टीचर बन जाना यार डॉक्टर बनाना क्या दिक्कत क्या है ठीक है ना ओ यू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट दैट इज ऑल्सो राइट दिक्कत क्या है ना? YouTube का YouTube पे भी आ जाओगे दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड राइट ठीक है पर ये सोच के अपने सपनों में ब्लर नहीं करना उनको प्राइमरी मोटो वही होना चाहिए ठीक है प्राइमरी वही है ठीक है तो बस अब दिमाग को ऐसा समझाओ कि भाई अभी तुझे यही करना है ठीक है बट यार दैट इज थॉट्स आएंगे यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ क्लियर करना नेट क्यों नहीं क्लियर होगा इस दुनिया में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है तुमने सोचा है तो क्यों नहीं क्लियर होगा सोच के आयो मेहनत करोगे मेहनत करने से सब मिलता है यार हार्डवर्क बीट्स अ टैलेंट हार्ड वर्क टैलेंट को भी बीट कर देता है बताओ कोई बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इंटेलिजेंट बनते हैं है ना बहुत बातें हो गई बस एक लास्ट आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे स्टोरी सुनाना मेरा फेवरेट पार्ट है मेरी एक फ्रेंड थी है मतलब अभी भी शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड एट्थ क्लास तक शी वॉज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट एट्थ क्लास से तो कहती मैं आ, हम हॉस्टल्स में साथ ही थे मतलब ग्रेजुएशन की फ्रेंड है मेरी एट्थ क्लास से कहती मैं ना खींच पास हुआ करती थी खींच तान के ठीक है और एट्थ क्लास क्लास में बच्चे को समझ आने की पड़ती है और बच्चे चढ़ाते हैं कि ये तो इंटेलिजेंट नहीं है ये है ऐसे वैसे है तो को मतलब, मैथ में नंबर कम आ रहे हैं ये है वो है नाइन्थ क्लास में उसने कुछ ऐसा मतलब मेहनत की अपने आप पे शी बिकेम द टॉपर

वॉट इज दर हार्डवर्क हार्डवर्क यार डिटर्मिनेशन उसका बहुत सा टाइम है जैसे मैं भी खुद अपने आप को कहना मैं थोड़ा सा कहूँ कि मस्त मौलाओ कभी सो गए आराम से कभी पूरी रात भी जाग लिए है ना तो बट शी हैड अ फिक्स टाइम आई वॉन्ट टू स्लीप दिस टाइम स्लीप दिस टाइम आई वॉन्ट टू वेक अपट सेवन पी एम आई सेवन ए एम सेवन पी एम कह रही हूँ सेवन ए एम सेवन एम उठेगी राइट right? तुम कुछ भी कर सकते हो बट अपने पे विश्वास और अपनी मेहनत बस यार क्या दिक्कत है ठीक है ना हाँ मस्त मौला बनो अभी मत बनो ट्वेल्थ तक आई हो मस्त मौला है ना नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ बट आई वो टॉपर क्लास ट्वेल्थ अखबार में फोटो भी आई थी मेरी बताऊंगी तुम्हें कोचिंग वोचिंग नहीं ली थी ट्यूशन भी नहीं ली थी घर <laughs> वालों ने बोला ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे या तो ट्यूशन पढ़ाएंगे चूज कर लो उस टाइम पे अकल कम थी तो हमने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल चूज कर लिया ठीक है और ट्यूशन्स नहीं ली और खुद ही पढ़ाई की टॉप कर लिया फिर भी बट फिर किस्मत को कुछ और मंजूर था और फिर हम लोग आ गए बी एस सी में वेल लाइक अलॉट यू नो मैन दे डेंट सेंड मी फॉर कोचिंग बट इतनी समझ मुझ में थी कि उस वक्त के घर वालों के पास पैसे नहीं है तो करना पड़ेगा और चार भाई बहन हैं हम लोग <laughs> ठीक है तो मैं सबसे बड़ी हूँ सबसे छोटी वाली पे भी देखना पड़ेगा तो यार तभी ऐसा लगता है कि मुझे कि तुम लोग बहुत प्रिवलिस्ड हो यार मतलब अट्ठारह का कोर्स मुझे भी मिल रहा होता यार शायद मैं भी नहीं, मैंने भी नीट क्लियर कर लिया होता यार क्रैश कोर्स मिल गया होता मुझे भी ऐसे कुछ वो मिल गए होते स्कॉलरशिप तब इतना कुछ नहीं होता था उस वक्त यू गाइज आर सो लकी आई एम टेलिंग यू तुम्हें पता भी नहीं तुम कितने लकी हो बहुत अच्छी हिरा में रह रहे हो तुम आई नी विश चलो यार चलो चलते हैं और बस तुम डॉक्टर बनके दिखा दो यार मुझे मेरा सपना तुम्हारे थ्रू ही पूरा हो जाएगा हाँ चलो यार सो so, बहुत हुई बातें सो मॉर ऑफ द स्टोरी इज यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट ठीक है ना सो कंसेंट्रेट ऑन दैट पार्ट एंड बिलीव यू मी एक बात पे फोकस रखना है कि वन थिंग इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ड तुम्हें पता है मैं क्यों बोल रही हूँ चीज़ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं इतना दिल लगा लेते हैं उस चीज से कि वो नहीं हो पाती तब तो उनका दिमाग ही खराब हो जाता है करें क्या आगे दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार लाइफ बहुत बड़ी है भाई बहुत कुछ हार सकते हो तुम लाइफ में ट इंडिया ने देखा क्या चलो वापस आओ अब बट बट सब चीजों को साइड में रख तुमको नीट क्लियर करना है अभी तुम्हारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर सारा फोकस लगाओ तुम्हारे सामने बेस्ट जो चीज पड़ी है अभी नीट है डॉक्टर्स को दुनिया में भगवान की तरह माना जाता है अगर तुम वो बन गए तो तुम सच के सच में तुमने उखाड़ के फेंक दिया कुछ सच में तुम ऑलरेडी तुमको ना मेहनत करनी नहीं करनी पड़ेगी है आई एम डॉक्टर मीनाक्षी इतने क्राउड में से उठ गए तुम खुद ही ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ी तुम इंप्रेशन जमाने के बोल सकते आई एम मीनाक्षी आई एम यूट्यूबर आई सिंग ऑल्सो समझ रहे हो इम्पैक्ट है आई एम अ सर्जन आई एम आई एम ए डरमेटोलॉजिस्ट माई गॉड वॉट यू गेट दैट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड ऐसे सात आठ नौ दस बारह बजे लोगों में ऐसे उड़ जाते हो शादी में जाते हो लोग ऐसे नहीं शर्मा जी की बेटी डॉक्टर बन गई है बेटा कैसे डॉक्टर बने आप बेटा आप हमारे बेटे को भी कुछ बता देंगे इसका भी बहुत है नलायक पढ़ता नहीं है चलो यार बहुत बातें हो गई यू गेट दैट सो यार ऐसी मोटिवेशन बीच में एक्चुअली जरूरी होती है इसलिए तुमको बताना थोड़ा जरूरी होता है चीज़ों का समझ गए तो बहुत बढ़िया <laughs> ठीक है तो ये है फिर आप मैम आप अभी भी नीट का एग्जाम दे सकते हो मेरे भाई बख्श थे मुझे तुमको पढ़ा दूँ मैं बड़ी बात बड़ी है ठीक है चल यार द टेक्निक नॉट यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स इन रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर दैट इज दैट इज एन आर डी एन ए टेक्नोलॉजी इज बताओ चलो आप शाबाश बताओ हाँ 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 चलो चलो, चलो, चलो शाबाश 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 गोवान गो 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 वेरी गुड सी सी द करेक्ट आंसर ध्यान से सी गलत आंसर है सी गलत आंसर है तुम सब सी लिख रहे हो सी आंसर छोड़ो आंसर छोड़ो मैं बोल रही हूं अरे तुम अभी सी लिखे जा रहे हो बेवकूफ लोग वर्चुअल चाहिए तुम्हारे पास में ध्यान से पढ़ो सी को रूल आउट रू, करो हाँ अरे डी इज अ करेक्ट आंसर माइक्रो इंजेक्शन अबाउट एनी सेल प्लांट सेल जिसको हम माइक्रो इंजेक्शन उसमें लगा रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हो तुम लोग आईसीएस नहीं सुना इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन तो प्लांट्स में थोड़ी स्पर्म है राइट तो ऐसे ऐसे याद रखा करो ऐसे करके ठीक है ना बायोलिस्टिक्स यस जीन गन्स एग्रोबैक्टीरियन यस ठीक है यूज ऑफ वायरसेस या समवेयर इट इज यूज्ड ठीक है ना रिकॉम प्रोसीजर्स अरे यूज होते हैं वायरसेस भाई ठीक है डिसाम करके उनको यूज करते हैं ठीक है सबको लग रहा है मैम मजाक करिए घर घर अरे माइक्रो इंजेक्शन चीज इनफर्टिलिटी में काम नहीं करती है तो हम आईसीएस करते हैं माइक्रो इंजेक्शन ओवम को लेके स्पर्म इंजेक्ट करते हैं उसमें बहुत महंगी टेक्निक है ये और खाली एनिमल सेल्स के लिए होती है ये ठीक है ना नहीं तुम्हारा देखो कॉन्फिडेंस डाउन करने वाली बात नहीं है ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि आज के क्वेश्चंस नीट से थोड़ा सा ऊपर है ठीक है इस इस लेवल के क्वेश्चन कभी कभी ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए करो वो मैं कराऊंगी तुम्हें तुम अपने आप नहीं पीछे पड़ोगे इन क्वेश्चन के ताकि मेरे पास वैलिड एक्सप्लेनेशन होगा ना तुम एक्सप्लेन के पीछे ढूंढते रह जाओगे है ना तो ऐसा माइक्रो इंजेक्शन बट यू शुड नो इट यू शुड नो द बेसिक्स ये कोई ये कोई बड़ा हा, हाई फाई क्वेश्चन नहीं था ये नीट के लेवल का ही क्वेश्चन है वैसे ठीक है तो गलती से गलत हो गया कोई बात नहीं अगले आगे से गलत नहीं करना ठीक है, है? चलो इसी क्वेश्चन पे ना इसी इसी बात पे ये ये बहुत आसान क्वेश्चन है बताओ देखो ये क्या है आपके इसमें रिएक्टर शोन इन इमेज क्या है ये जो बायो आपको शो किया जा रहा है वो क्या है बताओ शाबाश 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 हा हा कौन सा है ये हाँ ये तो सबको आता होगा सबको ही आता होगा क्या बात है क्या बात है क्या बात है वेरी 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 गुड एंड दिस इज योर सिंपल स्टर्ड टैंक टाइप सिंपल स्टर्ड टैंक टाइप है भाई एक और लिख रहा है स्पाज थोड़ी है सिंपल स्टर्ड है ये है ना स्पाज में तो बबल्स होते हैं भाई स्पाज में तो बबल्स होते हैं दिस इज सिंपल स्टर्ड टाइप मैंने आपको कहा है ना वो जो छाछ को वो करते हैं है ना छाछ बनाते हैं ऐसे ऐसे करके ये बिल्कुल वैसा सा होता है स्पार्ज वाले में एयर बबल्स निकलते हैं नीचे से तो दिस इज दिस इज फॉर और ये क्यों होता है स्पार्ज जो है ये क्यों होता है सो so दैट आपके जो कंटेंट है वो इवनली मिक्सड रहे जो आपने न्यूट्रिय डाले हैं उस बैक्टीरिया को खाने के लिए जो बैक्टीरिया उसे फीड कर रहा है नंबर वन नंबर टू ऑक्सीजन का जो uh... क्या कहते हैं उसको कॉम्पोजिशन है या, का क्या कहेंगे ऑक्सीजन जो, so, जो है उसका अवेलेबिलिटी पूरा का पूरा उसमें एक जैसा रहे सपोज एक बैक्टीरिया यहां पे है एक यहां पे है ऐसा ना कि इस वाले को अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है इस वाले को अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसलिए हम इसको ऐसे करते रहते हैं ऐसे करते रहते हैं मतलब हम नहीं करते मोटर लगी मोटर करती है ऐसे 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 ठीक है डन यस तो ये है यार स्टर, एक होता है स्टर्ड टाइप जो दूसरा होता है है ना और सिंपल स्टर्ड टाइप होता है एक होता है स्पाज स्पाज में जो है वो नीचे से जो आपके एयर बबल्स निकलते हैं सेम काम करते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेपरेट द डी एन ठीक है डीएनए फ्रैगमेंट्स को सबसे पहला स्टेप कौन सा है डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए तुम्हें पता है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए शाबा शाबाश 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 हा 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 शाबाश, शाबाश 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 कौन सा होगा सबसे पहला अब एल्यूशन लिख मैं मारूंगी सी कौन लिख रहा है अरे सेटिंग ऑफ द जेल स्टेनिंग ऑफ द जेल और रनिंग ऑफ द जेल अरे भाई क्या आपने कभी कॉमन सेंस नाम का वर्ड सुना है इस दुनिया में विच इज नॉट वेरी कॉमन इन पीपल एंड दिस डायलॉग इज ऑल्सो वेरी वेरी पिटा हुआ डायलॉग बट एज एज आई कैन सी मेरे बच्चों में उसकी कमी आ गई है थोड़ी हाँ आ गई है तो आ गई है <laughs> तुम्हें मैंने काम दिया है कि बेटा ऐसा करो आज तुम पापड़ बनाओगे तुम्हें छत पे छोड़ा है मैंने पापड़ बनाओगे तुम क्या करोगे पापड़ लोगे धरती पे ऐसे ऐसे बना बना के उसको रखना शुरू कर दोगे क्या करोगे पहले तुम एक चद्दर लाओगे उसको फैलाओगे फिर पापड़ रखोगे उसमें you will set that place. अबे तो ऐसे एग्जाम्पल दोगे तुम अगर ऐसे करोगे तो सेटिंग ऑफ द जेल पीपल सेटिंग ऑफ द जेल स्टेनिंग ऑफ द जेल रनिंग ऑफ द रनिंग ऑफ तो बिल्कुल ही अलग है एल्यूशन लास्ट प्रोसेस है कट करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को अरे भाई पापड़ बनाने के लिए तुम्हें चद्दर तो बिछानी है पहले सेटिंग ऑफ द जेल पीपल एग्रोस जेल सीवीड को जाके सीवीड से जाके वो लाओगे पहले एग्रोस को एक्सट्रैक्ट करोगे बनाओगे उसको ठीक है हाँ एल्यूशन लास्ट में है बच्चों क्या कर रहे हो तुम फर्स्ट स्टेप पूछा है नुने. ना एग्जाम्पल देखो पापड़ पापड़ी मैडा नहीं वैसे कोई बात नहीं तुम्हें समझ आना चाहिए यार ठीक है ना हाँ तो चद्दर बिछानी है पहले सेटिंग ऑफ द जेल चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन इन ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को सबने ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को ये आई थिंक पी वाई क्यू है ये ये है बिच आई थिंक और काइंड ऑफ है ना क्लोजली है मतलब इसके इंस्पायर्ड बाई पीवाई क्यू है ये शाबाश 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 शेख अल्तमाश कह डी डी क्या बात है आप पे डांट का इतना अच्छा असर होता है कि आप धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन के आंसर सही देने लग पड़ते हो आई डी इज़ राइट आंसर बाय द वे डी एकदम करेक्ट आंसर है डी इज द राइट आंसर पीपल तो तो मैं ऐसी ऐसी बेस तुम्हारी हर दिन कर दिया करूंगी यार ताकि तुम्हारा जो एनर्जी चैनलाइज हो जाए अच्छे डायरेक्शन में डी इज द करेक्ट आंसर एब्सुलटली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में जो डी है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इट ठीक है क्यों स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज और दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट हा बट इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जाइम्स इसका इस स्टेटमेंट का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है ठीक right? तो ये आपका जो है सही क्वेश्चन है बेटा। तो पहले आपकी बिल्कुल सही है। डीएनए सीक्वेंस वो करता है क्यों वो पेलिंड्रोमिक साइट ढूंढता है उसमें तो दे कट स्ट्रैंड ऑफ पेलिंड्रोमिक साइट्स तो पहला और दूसरा स्टेप ही है मतलब पहले उसने देखा ड्रोमिक साइट को ढूंढा आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन इंजाइम सबसे ज्यादा होने वाले हैं आपके में. बिल्कुल सही जवाब, इसका से कोई लेना देना नहीं है करेक्ट है ठीक है ठीक है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाई दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेशन हाँ हाँ सही है ना एक्सप्लेनेशन ये एक्सप्लेशन एकदम सही है बेटा हाँ अगर आपके पास कोई और है तो आप, आप मुझे बताओ फिर हम वो दे देते हैं hmm. मैम न्यू बैच कब स्टार्ट होगी बिल्कुल स्टार्ट होगी मैं बता दू इससे पहले आप इस, इस पिक्चर को देखो और इसमें ए और बी को फाइंड आउट करो एंड बी फाइंड आउट करो इस पिक्चर में पहली बार बेमिसाल आए चलो 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 क्या बात है My eyes on the... लारे बीमार थी तू बेटा हाँ देख लिया मैंने तेरा हाँ कोई बात नहीं अभी अभी एकदम ठीक हो गई है एकदम पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे चल सी सी द राइट आंसर पहली बारी पहली बारी आरी, साल आए। okay, दो, दो बार आ रही दोनो करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एक्चुअली सो वॉट आर दीज दीज आर रिस्ट्रिक्शन साइट जहां भी आके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट लगा देना है एज सिंपल एज दैट है ना फुल इसके आगे कुछ नहीं ठीक है ओके सो गुड ना गुड गुड टू गो गुड टू गो ठीक है सो so, दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे ठीक है ना दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सो सिलेक्ट द इन करेक्ट मैच आप देखेंगे हम कि किसकी मेमोरी कितनी ज्यादा शार्प है चलो हम्म किसकी मेमोरी कितनी ज्यादा शार्प है कमान 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 शाबाश वेरी गुड चलो 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 बी इज़ राइट आंसर बी गलत आंसर है किसी ने बी लिखा मैं पकड़ पकड़ के मारूंगी तुम्हें डी इज अ करेक्ट आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर सिलेक्ट द इन करेक्ट मैच एब्सोल्यूटली डी इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर ये मैंने आपको एन सी ई आर टी हाईलाइट जब कराया था इनफैक्ट मैंने बायोटेक्नोलॉजी जब से मुझे लगता है जनवरी से मैं आई मैंने दो बार पढ़ा दिया है तो इसमें साफ साफ मैंने आपको जो लाइन है वो हाईलाइट करवाई है बेटा तो इसमें आपको देख लेना है जो क्राइट वन ए है वो कॉटन बॉलबॉम पे काम करता है वन ए बी कॉन पे टू ए नहीं काम करता कॉटन बॉलबॉम पे सो so, बेसिकली मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें मैं देख के ही बताऊंगी आपको बट आपने इसको याद कर लेना है क्राई वन ए बी जो होता है बेटा आपका दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉन बोरर है ना पता है ना आपको पेज नंबर बोल दो मुझे एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दो मुझे एनसीईआरटी में दूसरे कमरे में भूला ही एक्चुअली अपने हाँ तो एंड आपका जो क्राई वन ए सी है दैट इज एंड टू ए बी है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट योर कॉन बोरर ठीक है सॉरी कॉटन बॉल वॉल बॉल वाम कॉटन बॉल वॉम राइट ठीक है ओके सो दैट इज देयर यार एंड बस इसको मैं आपको इतना बोलूंगी कि ये वाली जो लाइन है क्राई वन ए बी क्राई टू ए सी वन ए जो भी है जितने भी आपकी ये जीन्स हैं किसके अगेंस्ट जो है इफेक्टिव है, है वो आपको याद कर लेना है बाय हार्ट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर तब आपको रिग्रेट ना हो पेपर में कि यार मैंने नहीं किया इसको अच्छे से थोड़े कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको थोड़ा तीन चार पांच बार छह बार पढ़ना पड़ेगा आप एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको पढ़ के जाएंगे ठीक है बिकॉज ऐसी ऐसी चीजें एग्जाम से एक दिन पहले पढ़नी पड़ती है ठीक है एक या दो दिन पहले आई वुड से है ना एक दिन पहले तो कुछ नहीं पढ़ना चाहिए दैट इज देयर ठीक है तो प्लीज इस पर आप फोकस कीजिए और एक और बता, बात बता रही थी तीन आपके ऑर्डर्स होते हैं लेपिडोप्ट्रा कॉलियोप्ट्रा एंड डिप्ट्रा कभी कभी ऑर्डर्स पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है क्या लेपिटोप्ट्रा कॉलियप्रा एंड डिप्ट्रा ये तीन ऑर्डर्स होते हैं इसके अगेंस्ट में जो है ये क्राई प्रोटीन जो है ये काम करते हैं इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं ये राइट तो ये तीन ऑर्डर्स और ये टू ए बी टू ए सी याद रख लेना थोड़ा ठीक है चलिए विद दैट वी आर मूविंग टू द लास्ट आई थिंक क्या टाइम हो रहा है अरे देखो मैंने घड़ी तो उल्टी पहनी है अच्छा ठीक है सो सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच एंड चलो भाई ये हो गया क्वेश्चन है आपका फ्लेवर सेवर टमेटो में एक्सप्रेशन ऑफ अ नेटिव टमेटो जीन हैज बीन ब्लॉक्ड टू बताइए ये क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है माय पर्सनल फेवरेट हालांकि इसमें एनसीईआरटी में आपको ज्यादा लिखवाया नहीं गया है लेकिन जब मैंने पिछले साल आपके पूरे फुल फ्लेज लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने पढ़ाया है आपको फ्लेवर सेवर ठीक है तो मैं तो आपको जरूर बोलूंगी कि यार आप उसको जाके लेक्चर को देखना सॉरी हाँ मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ चलो सी इज द राइट आंसर हम्म शाबाश 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 हम्म हम्मीज द करेक्ट आंसर बच्चे सी एकदम करेक्ट आंसर है इट प्रिवेंट द ऑफ़ द पेक्टिन इन द सेल वॉल देखो यार ये ना आई थिंक तुम नाइन्थ क्लास में पढ़ लेते हो कोई भी फ्रूट होता है या फिर कोई भी प्लांट सेल है तो उसके ना सेल वॉल में दर इज़ मिडल लैमिला एंड विच इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट वगैरह से जैसे ही फ्रूट्स जैसे वगैरह ये रॉ होते हैं तो वो एकदम इंटैक्ट रहता है दैट इज़ वाई अगर गुआबा वगैरह को अमरूद वगैरह को तुम खाओ तो कितना हार्ड होता है खाने में लेकिन जैसे ही वो पकता है राइप होता है तो वो डिजॉल्व हो जाता है पैक्टिन ठीक है उसमें तो बेसिकली राइपनिंग के लिए जो है ये पैक्टिन जो है बेसिकली दैट इज वेरी वेरी दैट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो प्रिवेंट द द द ऑफ इन सेल वॉल अगर जो है वो इंटैक्ट रहे तो वो पकेगा नहीं जल्दी दैट मीन्स फ्लेवर सेवर टमाटो को बनाने का सबसे जो मोटिव था कि टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं आपने घरों में भी देखा होगा तो हम टमाटर की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देंगे कैसे इसको रोके। पेक्टिन, जो है, तो है, है। तो तो इंक्रीज द शेल्फ लाइफ बट आपने कोई ऐसे टमाटर देखे बाजार में बिकते हुए मंडी में ले लीजिए मैडम ये टमाटर ले जाइए आप इसको दो हफ्ते भी अपनी शेल्फ पर रख सकती हैं देखा आपने कभी ऐसा टमाटर बाजार में हाँ 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 बताओ हाँ 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 पॉलीगैलेक्टो यूरिने का नाम है नॉट नहीं देखा ना नहीं देखा ना तुमने दैट मीन्स कि ये जो चीजें हैं बीटी ब्रंजल और फ्लेवर सेवर इवन इनफैक्ट द गोल्डन राइस ऑल्सो तो इंडिया में नहीं आए मूर्खों ये कहीं भी नहीं है ये एक्सेप्ट नहीं हुए लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था इसको तुम्हें तो पता है ना ऐसी कुछ चीज़ें खाने वाली चीजें वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस पर खास करके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आर नॉट एक्सेप्टेड पढ़ लोगे तुम तो इसमें कई लोग तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी में भी जाओगे so, right? so, जी एम ओ कुछ भी कह लो जे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गैनिज्म ठीक है कितने नंबर आए तुमको दस में से नंबर लिए खुद को दस में से नहीं पंद्रह में से कितने नंबर आए हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट फ्रॉम आउट ऑफ फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन काउंट किया रफ काउंट तो होगा कि जितने तीन चार क्वेश्चन गलत हुए हाँ आज तुम्हारा नंबर दस से ऊपर नहीं गया होगा मुझे लगता है सात बारह अच्छा बारह आए हैं अच्छा, बारह तो मतलब सही है फिर तो दस थर्टीन आए हैं तेरह थर्टीन बारह ग्यारह फोर्टीन फौर्टी, फोर्टीन तो गलत मैं नहीं मानती फोर्टीन यार सच बोलो भाई दस हम्म ग्यारह खुद को नंबर दिया करो यार तो मेंटी हमारा ढीला ढाला चल रहा है बट तुम अपने को अपना अपना प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए है ना भाई ठीक है पंद्रह में से पंद्रह नहीं आए हैं हाँ ठीक है तो देखना बारह आए हैं तेरह ग्यारह पंद्रह में से पंद्रह नहीं आए हो यार तुम्हारे नौ दस ठीक, ठीक है ठीक है पता है ना यार ठीक है सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू वंस अगैन अवज राउंड ऑफ अपलॉज टू एवरीबडी तो इस पूरे पंद्रह क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को साइड में हटा के विच आई एम रेडी कंफ्यूज एंड आई विल गेट बैक टू अगर इंपॉर्टेंट होगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे नहीं तो नहीं डिस्कस करेंगे लीव दैट क्वेश्चन ठीक है बाकी अगर फोर्टीन क्वेश्चन को मैं देखूँ यार तो उनमें से तीन या चार क्वेश्चन ऐसे मैं बोलूंगी खासकर जो हमने लास्ट में किए हैं वो नीट के लेवल के ही हैं ठीक है तो बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू दिस थिंग कि तुम लोग अपने से कोई भी हाई लेवल की चीज पढ़ने नहीं जाओगे अभी ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन मैम लेके आ रही तो मेरी क्लास अटेंड कर लो पढ़ो निकल जाओ उसके बाद में किसी अपनी ऐसी बुक उठाने की जरूरत है कि मैम करा रही है तो मैं भी चैलेंजिंग क्वेश्चन करूंगा गलत बात गलत प्रैक्टिस ठीक है ना दैट इज अप टू मी मुझे पता है कि मेरे बच्चों के लिए कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है मैं तुमको बोल के बता देती हूँ कि यार इस क्वेश्चन को मत प्रैक्टिस करना ज्यादा छोड़ दो क्वेश्चन को इत, इतना क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है तो थैंक थैंक यू यू सो मच शेयर करना चाहते तो तो, मैम वन शॉट कब से शुरू होगा टर्म टू का आप जितने कराएंगे उतने ही करेंगे हाँ हाँ वही है ना यही होती है अच्छे शिष्य की पहचान बताओ मैम टेलीग्राम पे पीडीएफ डी टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा अच्छा और अभिषेक बाय मैम क्लास है अब चल ठीक है ठीक है जिसकी क्लास हो भाग जाओ कोई दिक्कत नहीं है अच्छा मैम <coughs> मैम नीट के लिए के लिए बहुत काम कम टाइम बचा है वो <laughs> तो, तो पता ही है बेटा और क्या हम हम शा शांति नहीं मिलती मैम जब तक सारे क्वेश्चन नहीं आ जाते प्लीज़ वो एक क्वेश्चन बताना मैं बता दूंगी बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन तुम तो मान के चलना इस बात को मैम शाउटआउट दे दो ऐसे नहीं अबे ओ स्पैमर्स ये ना उल्टा चैनल है रोस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे ठीक है बच्चे बहुत शैतान है हमारे ठीक है बढ़िया होगा निकल लो वरना यूट्यूब का जो ना चैनल है ना तो तुम्हारा परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा मजाक नहीं कर रही मैं थीके? ठीक है ठीक <laughs> so हाँ, है चलिए चलिए एंड थैंक यू सो मच मैम लोकोमोशन एंड हाँ हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं इनसे पंगा लोगे क्या भाई तुम हाँ, इनकी मैम है छोड़ेंगे नहीं तुमको और मैम इनसे भी दस कदम आगे है ठीक <laughs> है तो चलो भाई चलो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच यार बड़े दुनिया के बेलने बंदे हैं यार कहीं से भी उठ के आए थे भाई तुम्हारे पास कोई काम नहीं है काम धंधा करो यार कुछ जिंदगी में कुछ कर जाओ तुम यार नीट के इतना तो मर मर के पढ़ रहे हो बेवकूफ़ गों को देखो यार तुम है <laughs> जिंदगी में क्या चल रहा है बस कुछ पता नहीं है

मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन फिजिक्स तो एट नाइन नाइन में कोर्स अवेलेबल है यही जो वीडियो चल रही है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जाके ज्वाइन कर लेना ठीक है और नीट कर्मा बैच अगर तुमने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी में भी अवेलेबल है इंग्लिश में भी अवेलेबल है ठीक है ना हिंदी चाहिए तो हिंग्लिश पे क्लिक करना इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश पे एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग इन दैट बैच ठीक है डन हो गया थैंक यू वेरी मच गाइस थैंक यू सो मच और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है एंड बाय बाय चलो बाय बाय बाय